आज हम बात कर रहे हैं देश में फैले हुए गाय समाज विभाग की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अलग अलग इलाकों में गाय को बचाने के लिए, उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, उन्हें स्वच्छ रखने के लिए कई सारी मुहिम चल रही है। वहीं अगर दिल्ली की तरफ देखें तो दिल्ली में आज भी कई जैसे इलाके हैं जहाँ पे गाय खुलेआम घूम रही है। उन्हें ना तो ठीक से खाना मिलता है और ना ही कहीं आराम से बैठने को मिलता है। वह इस तरह से घूमती रहती हैं गलियों और सड़कों में, चाहे बारिश हो, बरसात हो या फिर ठंड पड़े कितनी भी, उन्हें रोड पे ही रहना पड़ता है। अब वह कोई छोटे मोटे बिल्ली या छोटे जानवर की तरह नहीं है कि वह किसी की घर के छत के नीचे सहारा ले सके। अब ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार द्वारा बंद किए गौशाला मिशन में जो गायें छोड़ी गई थी, वो इस तरह से रोडों पे आ गई हैं और उसी वजह से शायद उनका आशियाना भी छिन गया है। ना केवल गायों को बल्कि आम आदमी को भी इससे परेशानियां हो रही हैं। कहने को तो ये मुहिम गायों को मारने से बचाने के लिए की गई थी, लेकिन उन्हें घर से बेदखल कर देना और सड़कों पे ला देना और इस तरीके से उनका मारा मारा फिरना, इस मुहिम में ऐसा लग रहा है कि उन्हें बचाने की जगह उन्हें सड़कों पे ला के मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर यही गायें किसी ट्रक या किसी टेम्पो के आगे आ जाती हैं तो इससे दोनों तरफ का नुकसान होता है। साथ ही ये गायें इसी तरह से खुलेआम घूमती रहती हैं और इन्हें रखने का, रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता है। इस तरह के दिल्ली के कई इलाके मिल जाएंगे जहाँ खुलेआम गायें अपनी शरीर की और अपनी भूख को लेके जूझ रही हैं, लेकिन इनका कोई सहारा बनता नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो अयोध्या में देखा जाए तो गायों के लिए कोट बनवाए जा रहे हैं सर्दी से बचाने के लिए, लेकिन उनके लिए कोट की जगह एक गौशाला बना लिया जाए जहाँ वे आराम से घास में बैठ सकें। और ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी हो जाए, जगह जगह घूम रही और मारी मारी फिर रही ये गायें अपना सहाया ढूंढ लेंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम थे जिनमें लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर उन्हें इमोशनली फंसाया गया और उनको ये वादा दिलाया गया कि हम धर्म के साथ चलेंगे। लेकिन धर्म वही है जहाँ हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी कि इस दुनिया में हमें हमारी मदद खुद ही करनी है और दूसरों के लिए रास्ते खोलने हैं, ना कि बंद करने हैं। पर ऐसा लग रहा है कि धर्म को बचाने के लिए, मनुवादी सोच को वापस लाने के लिए इस तरह की दोहरी राजनीति खेली जा रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।